अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रिपल एस 51 न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम पंजाब से आज की सूरत हाल बताएंगे कि लड़के किस तरह पुलिस को तंग कर रहे हैं, तो पुलिस ने क्या किया, देखिए मुकम्मल वीडियो। जी नदीम, आप बताएंगे पंजाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप देख रहे हैं मोटरवे सियालकोट से आए ये लोग, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और देख रहे हैं ये मजदूर लोग हैं, बोले हमें वहाँ से निकाला गया, तो इनको पता भी है इस टाइम सूरत हाल क्या चाहिए, कोरोना का क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट ने इतना अलाउ किया है और पब्लिक साथ नहीं दे रही और हमारी पुलिस जो है इतना ताउन कर रही है, जगह जगह चेक पोस्ट पर उनको रोका जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, प्यार से पेश आ रही है, फिर भी हमारी नहीं समझ में आ रही। आप इनसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, सियालकोट से, किस काम से गए, आप कैस का है, जिला भावलपुर में, तो आपको पता था ये इस तरह चल रहा है सूरत हाल, जो डबल जनाब उसे मजदूरी बंद हो गई है, तो आप लोग फिर बाद में कहते हैं ये पुलिस वाले तंग कर रहे होते हैं, सब तंग कर रहे हैं, क्यों तंग नहीं कर रहे, ये आप लोग के लिए खड़े हैं ना, सही है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ख्याल करें, ये छोटे छोटे बच्चे लेके निकले हैं आपने, ये तो देखिए आप कोशिश से सुधारा अपने बताने कौन आएगा, ये सियालकोट से है, इससे आगे वाला रक्षक है वो देख रहे, वो रक्षक बहुत क्या ये बहुत क्या, आप देख लें ये छोटे छोटे बच्चे लेके निकले हुए हैं, ये गुजारा हम चाहते हैं हमारा मैसेज, पुलिस का मैसेज पहुँचे जहाँ तक पहुँचाना चाहें हम, ये आप देख लें ये लाहौर से है, आप कहाँ से आ रहे हैं, लाहौर से, तो वहाँ आपका घर नहीं था, तो यहाँ कहाँ रहते हैं आप, मुसाफिर खाना, तो आपको पता है इस टाइम क्या हालात चल रहा है, कोरोना का क्या क्या मसला चल रहा है, तो हर चीज़ बंद हो गई थी, ना रोजी मिलती थी, ना रचका चलाते थे, उधर मरने, ये तो आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, मजबूरी था वो निकले हैं ना, तो आपसे हमारा कोई भी नहीं था ना, तो आपको ये पता जो चल रहा था आप पहले निकल आते हैं, तो आपके साथ पुलिस ताउन कर रही है, हर चीज़ ताउन कर रही है ना, तबियत पे अगर भाई हालात इनसे सही हो जाएंगे, आप ये रक्षे में लाहौर से आ रहे हैं इस तरीके के छोटे छोटे बच्चे, जरा आप थोड़ा ख्याल करें, इस तरह आपके साथ कसूर कर रहे हैं आप, फिर गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है ना, पुलिस का तो कोई कसूर नहीं है ना, पुलिस तो ताउन कर रही है, देख रहे ना ये हमारी, ये आवाम आवाम के मैसेज जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं पहुँचाने की, ये हमारी आवाम है, ये देख रहे हैं बच्चे दो दो खड़े हुए हैं, सर का मैसेज सुनते हैं, हमारे अहकार खड़े हैं, सर इनके आप क्या मैसेज देंगे, हम इनके लिए ये मैसेज दे रहे हैं, इनको अभी हम ढूंढ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कहाँ इन्होंने जाना है और किस जगह के रहती हैं, ये करके फिर इनको जाने देंगे, स्क्रीनिंग करवा दें, बिल्कुल ट्रेनिंग में भी नहीं जाने देंगे, देखें नाजरीन की ये देखें, इनका प्यार देखें, इनका इखलास देखें, ये इस चीज़ का है, आप इस चीज़ का सोचें, आप इनको देखें, ये है आवाम, ये ताउन कर रही है आवाम, नहीं ताउन, कोशिश गुजारा करें ताउन करें, जी हम लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नाजरीन इनकी एंट्री हो रही है, कैमरा मैन हमारा कहीं दिखाएगा, ये जितने लाहौर से सियालकोट से आए हुए हैं उनकी एंट्री की जा रही है, सर आप इनके बारे में कुछ कहेंगे, ये आप लोग ताउन कर रहे हैं, तो ये लोग ताउन नहीं कर रहे हैं, आपके सामने जी ताउन नहीं कर रहे हैं, सबसे दौड़ा जाते हैं, मार जाते हैं, देखें हमारे पुलिस का कितना प्यार इधर चल रहा है, पंजाब पुलिस में इतना इखलाक है, जो उनके साथ बंदों से सलूक करे वो चाहिए, इसलिए प्यार से पेश आ रही है, हम समझा नहीं कर सकते, फिर भी नहीं कुछ समझ आ रहा है, जी चलो मैम, हम आवाम से गुजारिश करते हैं, आवाम भी घर में बैठे हैं और आवाम घर में रहें, बाहर जाने से कोरोना की वजह से ये बहुत वायरस जो फैला हुआ है, इस चूँकि देखा जाए इसको मजाक नहीं लिया जाए, इसको सीरियस लिया जाए, ये कोशिश करें, आवाम से हमारी अपील है ये घर में बैठें, जी ये फरीद गेट की मार्केट है, आप देख रहे हैं पूरी मार्केट बंद है, आप देख रहे हैं नाजरीन ये मार्केट पूरी बंद हुई हुई है, ये भावलपुर की मार्केट है, मेन मार्केट, ठीक है, यहाँ तकरीबन सब है, यहाँ आपने मोबाइल मार्केट भी साथ साथ है, कपड़ा मार्केट भी साथ साथ है, हर चीज़ ये मार्केटें बंद हैं, और आवाम से गुजारिश है
وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے فیملی کے ساتھ پارٹیشن کریں اور اپنے ساتھ کہیں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہ پوری مارکیٹیں ہیں بند ہیں جی، یہ آپ دیکھیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹاؤن سے شہر ہے، ٹاؤن سے کیا لینے لگی ہوئی ہیں اور مینگو میں جگہ جگہ پر، اور ہم عوام سے تعلق کرتے ہیں ان کا کیا رائے ہے، اور اچھی سی جگہ کی بھی ہے عوام سے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو پھانسنے پھانسنے پہ روکا ہوا ہے، جیسے ایک بنایا ہوا ہے دائرہ، اس دائرے کے اندر جگہ جگہ پر روک کے کھڑے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں دائرے کا ٹاؤن آپ کس لیے آئے ہیں۔ یہ بچوں کو آپ لے گئے ہیں ساتھ، کور کیا ہوا بچوں کو، خوش کریں آپ بچوں کو گھر میں رکھیں، یہ آپ بچے آپ سے بڑھ گئے ہیں، دیکھتے ہیں انسان کو زندگی سب سے پیاری ہے نا، کوشش کریں بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں جی۔ آپ دیکھیں ناظرین، یہاں عوام کا تاثر، عوام ماشاء اللہ یہاں رہنے میں کبھی اپنے اپنے لینوں میں، تو عوام سے پوچھتے ہیں یہ ان کا کیا رائے ہے۔ سر سر آپ یہاں لین میں لگے ہیں تو یہ صحیح ہے سب، اس طرح فاصلے پہ رکھا ہوا ہے بہتر صحیح ہے نا، اسی طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہی ہونا چاہیے، فاصلہ لازمی ہے، 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے بالکل۔ ٹھیک ہے، آپ حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا اقدام کیا انہوں نے، بہت اچھی بات ہے، اس طرح ہمارے اللہ پاک ہمیں اس اردو کے بعد جو بیماری ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ پاک پوری کائنات کو ایسے محفوظ رکھے، ہماری تو یہی دعا ہے، بہت اچھا انتظام انہوں نے کیا ہے۔ یہ عوام کا رہے ماشاء اللہ، عوام تعاون مل رہا ہے، سب پہ مل رہا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے چل رہا ہے، اور عوام سے میں ان سے اور بچے آئے تو سر ماحول کو دیکھتے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا، حکومت نے کیا قدم اٹھایا، کس طریقے سے؟ ٹھیک ہے، یہ کریکٹ ڈیسیژن ہے، ڈسٹینس ہونا چاہیے، جس میں ڈسٹینس ہوگا اتنا وائرس جو ہے وہ انفیکٹ نہیں کرے گا۔ یہ عوام کی رائے ہے، اس میں فاصلہ ہونا چاہیے اور فاصلے پہ اچھا بالکل ہونا چاہیے، بالکل دیکھ رہے ہیں آپ، فاصلہ دکھائیں گے دور سے، یہ آپ دیکھیں ہم کیمرے پاس فاصلہ دکھا رہے ہیں آپ کو، اور اسی طرح انتظام پبلک کو بھی بہت، عوام کو بھی پسند آ رہا ہے، اس طرح ہی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، کس طریقے عوام کے لیے ریلیف کی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ بینکوں میں کرسیاں لگائی ہوئی ہیں اور دو بندے چھوڑے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی ریلیف عوام کو دیکھا کیا رائے، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، لائن میں ہم لوگ آئے تھے، سر کوئی ادھر سے ادھر ادھر جائے وہ اے ٹی ایم والے شاید لے رہے ہیں، باقی لائن میں یہ عوام کے رائے ہیں سر، یہ دیکھا جائے، آپ سب سے پوچھتے ہیں سر، آپ انتہائی اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، بالکل ہماری سیفٹی ہے، یہ عوام بہت خوش ہے، عوام بہت خوش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دکھا رہے ہیں، جو انتظام ہے اور بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے، انتظام کیا ہوا ہے، وہ ان سے رائے بہت اچھی ہے، اور اسی طرح دوسروں بینکوں میں بھی ہونا چاہیے، فاصلہ 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے جی۔ اور اسکائی ایون نیوز چینل کے ساتھ نبیل رپورٹر، آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، لوگ بیروزگار بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں پہ بیٹھ 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 کے پریشان ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ مزدور طبقے کا کام ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم یہ باہر نکلے ہوئے ہیں، پھر بھی مزدوراً نکلے ہوئے، کوئی خوشی سے کوئی نہیں نکلتا، ان کے حالات دیکھا جاتا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سارا کام بالکل نہیں چاہتے ہیں، روڈ سے آ جاتے ہیں، مزدور ہے، بچے پریشان، ہم پریشان ہیں، حکومت سے کیا تھا، ہم چاہتے ہیں یار، حکومت دیکھتے نہیں، ہم کیا کریں گے، حکومت نے تو انتظام کیا، انتظام کر رہی ہے، گھر گھر بچے سر، ہمارے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، بند پڑے ہیں،
सर हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। ठीक है सर, तो हुकूमत से आप क्या चाहते हैं? हमें क्या कुछ दे, हमारा कुछ काम करें, हमें दे कुछ। हुकूमत तो इंतजाम कर रही है टाउन करने का, वो उठा रही है कुछ भी नहीं उठाया सर, कुछ हमें दे हमारे। सर आप लोगों ने ये मास्क नहीं लगाए हुए, क्यों? मास्क तो कम से कम आपने लगाए। हमारे पास सर ये आवाम का रहा है, आवाम चाहती है हमारे साथ ताउन किया जाए, हमारे साथ खाने पीने का शान नहीं है, घर में बच्चे भूखे बैठे हुए, बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं है, एक हफ्ता हो गया है कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कुछ ताउन किया जाए। ये आवाम बहुत परेशान है खाने के लिए, गरीब आवाम देखें आप, जो बोले एक हफ्ता हो गया हमारे घर में राशन नहीं है, खाने को बच्चे भूखे हैं, जो आप इनके लिए गुजारा कुछ करें, ये ताउन करें कि हमें हुकूमत से ताउन का एक बिल है, इनके लिए सुने। खड़ा किया है उन्हें हुक्मरानों को, उनके लिए सोचा जाए, ये आवाम से इनसे जीते हैं, इन आवाम से जीते हैं। आज वो सीटों पे बैठे हुए हुक्मरान पहन के बैठे हुए, अल्लाह की रहमत से बैठे हुए, तो उसकी आवाम की दुआएं हैं, आवाम की हुक्मरान से वोट से बैठे हैं, इनके लिए सोचा जाए, गुजारिश है हमारी हुकूमत से, ये आवाम के लिए सोचे प्लीज़। ये जहाँ पहुँचा जाता है राशन वहाँ मिल रहा है, ये बेचारे वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ देखते नहीं मिले, सारा दिन ये बैठे रहते हैं यहाँ, कभी वहाँ धक्के खा रहे हैं। हमें इनसे अपील है ये इनके राशन का इंतजाम किया जाए जल्द से जल्द। जी ना जी, ये हम आए हैं भाई साहब, इनसे पूछते हैं इनकी हुकूमत के बारे में क्या देखो जी, इस्लाम में ये कि जो भी अब जो हालात है ना, मैंने इस हुकूमत को वोट किया और ऐसा वोटर वोट किया है, लेकिन मैं बस की तरफ जाऊँगा। अब कहने का मतलब ये है कि जान के जानों में मैं साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मीडिया ब्रीफिंग देते हैं रोज, मीडिया पे आगे जो प्रोटोकॉल या जो भी जान करते मीडिया से, उससे कोई समझ नहीं आ रही अभी तक हमारा कुछ तरीका कार तो वजह किया जाए ना, खाली ऐलाना से हमें। अब देखो आज मैं 10 दिन से बैठा हूँ, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, अम्मी अबुआ हैं, मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरी और मुझे उनसे भी गुजारिश है जो ये मुखय्यर हजरात हैं, तो मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि अगर आपने कोई इमदाद करनी तो ऐसे तरीके कार से इमदाद की जाए कि जो घर घर में चले, हमें जिल्लत ना उठानी पड़े, हमें राशन के नाम से, खराब के नाम से, इमदाद के नाम से हमें इमदाद तो मिली है, हमें जलील और जिल्लत से दो चार होना पड़ा। सुबह 11 बजे का टाइम देते हैं तो 11 बजे आके बैठते हैं, 12 बजे के इस तरह हमें फिर कभी पुलिस वाले डंडे फूटे मारते। मुझे मैं मुखय्यर हजरात से अपील करता हूँ कि अगर उन्होंने अल्लाह की रजा की खातिर गरीबों की या मुझ जैसे और भी नादार लोगों की इमदाद करना चाहते तो उसको ऐसे तरीके से करें कि तो हदीस में भी कि दूसरे हाथ को ना पता लगे, वो तो ऐसे लोगों को दिखावे के तौर पे उन्होंने ऐसे इमदाद का जरिया बनाया हुआ, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, मजमा कर लेते हैं, हमें यानी एक इमदाद कम मिल रही है, हमें तजलील और जिल्लत का सामना जरूर। जी आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये है जिल्लत का रबल है, ये है जो एक इंसान को दिया जाए तो पता ना चले। हम उन हजरात से भी गुजारिश है जो इमदाद करना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है, आप दें ऐसी इमदाद करें, किसी को घर तक भी पहुँचाएँ, आप पहुँचाएँ घर तक, ये जलील तक ना करें। इनको रोडों पे बुलाया जा रहा है और घर पे बुला के फिर उनको 3 बजे का टाइम, फिर 11 बजे का टाइम, इस तरह नहीं दिया जाए। हमें आवाम से गुजारिश है, अपील है ये इनके लिए घर में राशन दिया जाए, ये घर से नहीं, घर तक पहुँचाएंगे तो हम कहाँ से। ये देखें आपने मास्क लगाने, मुंह पे लगाने की जगह, और ये देखें नंबर प्लेट पे, ये देखें ये हैं हमारे आवाम, आप देखें इसको देखें, ये देखें ये आप देखें, ये देखें नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये है हमारी आवाम, ये देखें ये देखें, हाजी साहब इधर आओ।
ये देखें आवाम हमारी जितनी हमारी पुलिस कोऑपरेट कर रही है और आवाम देखें करने को नाम नहीं ले रही, ना इन्होंने मास्क पहना हुआ है ना इन्होंने कुछ पहना हुआ है। ये देखें ये आवाम, आवाम के साथ ऐसा करेंगे तो आवाम नहीं निकलेगी। ये देखें अब इनके साथ ऐसे ही सलूक होना चाहिए, जब ये घर पे नहीं रहेंगे तो। हाँ चले जी।